तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिया का साड़ी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब से स्वागत है। अज गल करांगे अज दी सब तो अहम खबर से, जगराओं की आम आदमी पार्टी की MLA सरबजीत कौर नूं इस पूरे भंबल भूसे चों कढ़न की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन्ने दिनों तो जो मामला लटकाया जा रहा थी, उस एक नवा मोड़ आया कि NRI परिवार कनेडा तो जरा आके क्लेम कर रहा कि कोठी साड़ी है, ये ते MLA ने कब्जा कर लिया। उन्हां दी जेड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी की गल की जा रही है, हुण इस गल का खुलासा पुलिस ने किया। जगराओं के SP ने एक इंटरव्यू ये कहा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी अशोक कुमार के नाते 2005 विच दिती गई सी। तुसी देखो कि किवें पूरे दे पूरे केस नूं घुमाया फराया लटकाया जा रहा। कल मैं अपने एपीसोड च एक गल कीती थी कि अज तुहानूं दसांगे कि पंजाब सरकार दा आम आदमी पार्टी सरकार दा एक नवा डिपार्टमेंट खोलिया जिहदा नाम है टेक इट इजी TIE और टेक्नोलॉजी और टर्कोलॉजी, टेक इट इजी एंड टर्कोलॉजी। टर्कोलॉजी मीन टरकाई जाओ, मामले लंबित करी जाओ, टरकाई जाओ, लमकाई जाओ, खिसकाई जाओ, धमकाई जाओ लोगों नूं, और अल्टीमेटली बेचारे जिहड़े लेजिटीमेट लोग हुंदे आ वह दुखी हो के हाथ जोड़ देते, छड़ के भज जाते हैं, की करन मजबूरियां। ये टर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आप पार्टी का सब तो मजबूत डिपार्टमेंट है, जिहदे च इन्हां दे बहुत सारे वर्कर, इन्हां दे अफसर जो इन्हां दे इशारियां ते नचदे आ, और इन्हां दा सोशल मीडिया सैल जिहड़ा बड़ा पावरफुल है। जिस तरह का RSS दा सोशल मीडिया सैल है, उस तरह का आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया सैल भी हैगा, जिहदा काम यह आ कि अपनी पार्टी को डिफेंड करो हर हालत ते, और एक एक करके इहोजे खुलासे करो जिहड़े लोगों नूं भंबल भुस्से पाई रखण। हुण गल करदे आं किवें आम आदमी पार्टी दी जगराओं दी MLA नूं इज्जत नाल इस पूरी समस्या चों बाहर कढ़न दी प्लैनिंग की गई, और उहदे इशारे भी आउणे शुरू हो गए ने। हैरानी दी गल इह आ, हुण तक NRI परिवार बीबी अमरजीत कौर वो ये कहते हैं कि मैं किसी नूं कोई पावर अटॉर्नी नहीं दिती, मैं तो 2004 च घर खरीदया सी, ये मेरे नाते है घर, मैं खरीदया सी, इहदी रजिस्ट्री हुई हुई है, जमाबंदी हुई हुई है, जो भी इहदे माने हुंदे कानूनी तौर रेवन्यू डिपार्टमेंट नूं माल विभाग कहिंदे, उहदे च वो कहिंदे सारे मेरे कोल, उन्होंने पेपर भी दिखाए, उन्हां दी नूंह ने उन्हां दे बेटे ने अड़ चैनल आते। लेकिन अज ये जो खुलासा होया कि ये घर जड़ा है जगराओं की कोठी, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी एक अशोक कुमार के नाते से, अशोक कुमार ने मई के महीने घर उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेचते करम सिंह सिद्धू जो एक एडवोकेट ने उन्होंने बेच लिता, और करम सिंह सिद्धू अगे उस घर MLA सरबजीत कौर माणूके किराए से दे दिता, 25,000 रुपया किराया रख्या, अद्धा उहदे चों कटिया जाना जिहड़ा खर्चा माणूके फैमिली ने उस घर ठीक ठाक कराउण चलाया। मतलब कमाल की गल यह है भी अजे तक किराए का एग्रीमेंट होया, घर विच किन्ना ठीक ठाक कराउण दा खर्चा होगा, लखां च होगा कि करोड़ां च होगा, उहदा कोई खुलासा नहीं।
वो किराया जड़ा है वो किड़े खाते से जमा कराया जाऊगा, भाई चेक दिता जाऊगा जा भाई कैश दिता जाऊगा। मई च ये एग्रीमेंट होया किराए का, हूँ जून आ गया कि पहले महीने का किराया किसी खाते से जमा कराया गया या खाली मूँह जबानी गल्लां चल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं लगता आने वाले दिनों च ये चेक पंजाबी फिल्म भी बनेगी, ये गल पक्की है क्योंकि ये पूरा ड्रामा है जो एक पंजाबी फिल्म च होंदा। एक पावरफुल पॉलिटिशियन, पलायबल सरकारी अफसर जिन्हों घुमाया जा सकता, कागजों में हेरा फेरिया करनिया, रिकॉर्ड में अदला बदलियां करनिया, कमाल की गल है। पावर ऑफ अटॉर्नी पता लग्या हूँ, पुलिस ने खुलासा किया इस गल का कि 2005 दिती गई सी। हूँ वो बुजुर्ग औरत जी 75 साल की अज, उन्हें 2004 च कोठी खरीदी सी, वो NRI सी। हो सकता मान जाने कि उन्हें अपने किसी जान पछाण वाले बंदे जिन्हें इनू कोठी दवाई होगी उदों जां कोई नेड़े आ गया होवे उन्हूं पावर ऑफ अटॉर्नी दिती होवे कि मेरी कोठी का ख्याल खुल रखी। उस पावर ऑफ अटॉर्नी च लिखिया की है वो भी देखने वाली गल है कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी लीगली वैलिड है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। उस तो बाद उस पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा 2005 तो बाद 2023 च उठाया जा रहा, यह अपने आप च बड़ी अजीब जी गल लगती है। जे उस बंदे ने अशोक कुमार ने उस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करना होता या उस प्रॉपर्टी का कोई फायदा उठाना होता तो 2005 तो लैके अज तक 18 साल वो इंतजार ना करता। कितने ना कितने दाल च थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काला लगता। ये अजे इनक्वायरी का हिस्सा है, लेकिन जो इशारे मिलते आ रहे, बीबी सरबजीत कौर ने 3 दिन पहला बयान दिता कि मैं किसी की कोठी से कोई कब्जा नहीं किया, मैं तो किराए पर ली आ। इस तो पहला भी मैं किसी किराए की कोठी पर रही हाँ 6 साल। 6 साल का मतलब जो MLA बनी सी पहली बारी उदों MLA बन के कोठी किराए पर ली। 1 साल तो ज़्यादा 1.25 साल का समा हुण हो गया तो वो 6 साल वो दस रहे हैं कि मैं अगर 6 साल किराए पर रह के वो कोठी खाली करके इस नवी कोठी चाहिए है किराए पर ली है तो मेरी मंशा कोई कब्जे की नहीं है। उन्हां दी गल मनण योग है कानूनी तौर पर, अंदरलियां गल्लां अंदर तक ही रहण दिओ, अजे खुल के सामने आउणगियां हौली हौली। हुण जदों वो NRI परिवार वो लेडी जी हूँ 75 साल की हो चुकी है जिन्हें 2004 च कोठी खरीदी, अज जदों आके कह दी है कि मैं किसी नू कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिती, जहाँ तो वो शायद याददाश्त कितने मार खाती होगी, भुल गई होनी है बेचारी कि मैं 2005 किसी नू अपने घर की राखी रूखी लिए इंतजाम करने किसी को पावर अटॉर्नी दिती सी। जिमें पहला तुम कह चुके हैं कि अगर उस बंदे ने फायदा उठाना होंदा तो 18 साल जो उठा लेंदा, यदा मतलब कितने ना कितने कोई गड़बड़ है, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी है, फर्जी पेपर क्रिएट किए गए ये दसण लई कि पुराना केस है। उस तो बाद उस घर की रजिस्ट्रेशन फी, उसकी जमाबंदी, वो सारी उस कनेडा वाली औरत अमरजीत के नाते, अगर उन्हें खुद अपने लेवल पे ये सारा कुछ अपने नाम पे कराया कि उदों ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अशोक कुमार कितने सी। ये पुलिस वाले कहते हैं जी तफ्तीश का हिस्सा नाल दी नाल इस गल नूं
लटकाउण टरकाउण की किवें कार्रवाई चलती है। आम तौर पर एक छोटा जा केस हो जाए, बड़िया एग्जाम्पल्स ने इस सरकार के बनने तो बाद, मैं एक दो गल अज तक याद ने बहुत, एक किसी बंदे ने, एक ने नहीं तीन चार बंद ने पंजाब, कोई राघव चड्ढा के खराब कोई किसी ने पोस्ट पाई, उन्होंने खाली उस पोस्ट को सही मानते हुए अगे फॉरवर्ड किया अपने फेसबुक अकाउंट से। तुसी मनोगे नहीं, 24 घंटिया के अंदर अंदर FIR भी दर्ज होगी, कई बंदे अरेस्ट भी कर ले गए। उन्होंने साइबर सैल पंजाब का उत्थे बुला भी लिया गया, कोई अमृतसर तो कोई कपूरथले तो कोई कितों करके बुला लिया गया, उन्होंने मोबाइल फोन सीज कर ले गए। इसका मोबाइल 1 लाख रुपए का आईफोन, किसी का महंगा फोन 50,000 का, किसी का 25-30,000 का भी होना। तुसी ये पोस्ट पाई क्यों, तुहानू कितों मिली, तुसी पाई जां कितों होर लई? उन्होंने कहा जी तुसी देख सकते हो कि साढ़े फोन तो खाली ये पोस्ट फॉरवर्ड हुई है, इहदा मतलब है कि पाई किसी होर ने आ। वो जिन्हें पोस्ट पाई थी वह तो अज तक नहीं फड़िया गया, पर ये लोगों के मोबाइल फोन अज तक साइबर क्राइम सैल विच दाखिल ने, और वो बंदे 1 साल तो तरीका भुगत रहे ने कोर्ट च जा के। कोई बेचारा कितों आता, कोई कितों आता, हुण तुसीं दसो किन्ना क वड्डा क्राइम है एक पोस्ट फॉरवर्ड करनी, क्योंकि वह राघव चड्ढा दे किते खिलाफ जाती होनी है, मैनू नहीं पता। वो तो पुलिस इमीडिएटली एक्शन लैके FIR दर्ज कर लैंदी। इस केस जिथे एक लेडी कनेडा तो आती और कहती मैं अपने घर च गई तो मेरे घर से किसने कब्जा किया होया, उसकी FIR दर्ज नहीं होती। किते ना किते एक बड़ा नवा पैटर्न सैट किया जा रहा पंजाब के, जिदी लाठी उसकी माछ। कहते ना तकड़े का साथी भी ही 100, वो हाल हो रहा। ये बदलाव है पंजाब से जरा आया नवी सरकार आने तो बाद। जो ये सरकार बनी थी मैनू लोग टैलीविजन इंटरव्यू से पूछते थी कि सरकार के बारे थोड़ा तो की कहना, मैं कहा कि कोई कहना नहीं, इस सरकार नू घट्टो घट 9 महीने देने चाहिए है। 9 महीने मैं कोई इस सरकार से टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि नवी सरकार नू आउण च काम कार देखण च समझण च करन च इन्ना समा लग जाता जिन्ना समा एक बच्चे नू इस जून च आउण च लगता दुनिया च, उन्ना समा सरकार नू भी देना चाहिए। उन्हां दा एक नवा जन्म है, देखांगे 9 महीनों बाद की करदे। लेकिन उस तो बाद मैं 9 महीने एक शब्द इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलिया, ये मेरा अपना अकीदा थी। लेकिन अज जो हो रहा वो शायद पहलियां सरकारां तो भी बदतर हो रहा। जिहड़े केस का कोई फैसला ना करना, जिहड़े केस नूं इन्हां ने अपने हक च लैके जाना होवे, उहदियां 3-4 परतां बन लैंदे आ। पहली ये हुंदा उस केस नूं अणगौलिया करना, उस तो बाद जिन्हें शिकायत की उन्हों डरा धमका भजा वो कार्रवाई, उस तो बाद अगली कार्रवाई कि पूरा केस लटकया रहे, लटका मतलब टरकाई जाओ पूरे इशू। उस डिपार्टमेंट का नाम है टरकालोजी डिपार्टमेंट, सब तो कामयाब डिपार्टमेंट अज के दिन उ है, तो उ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तुसी देखो हैरानी की गल, NRI फैमिली जो उन्होंने पता लग जाए उनकी कोठी से कब्जा कर लिया, वो 10-11 वटे अधिकारियों ईमेल करते, जिन्हां पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के DGP, पुलिस के सब तो बड़े अफसर, NRI मिनिस्टर कुलदीप सिंह धारीवाल, और उन्होंने किसी जान पछाण बंदे का अगे सोर्स कुलतार सिंह संधवा जिहड़े असैंबली के स्पीकर ने। उस तो इलावा
OS3 ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ SSP ਜਗਰਾਓਂ, SP ਜਗਰਾਓਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਹਾਇੰਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ 10-11 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ NRI ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। NRI ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ NRI ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਟਰਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਲਟਕਾਈ ਜਾਓ, ਟਰਕਾਈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕਦਾ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ FSL ਤੋਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਭਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰਕਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ MLA 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਟਰਕਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਣਗੇ। TKTC ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ TKTC TIE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इन्नी बुरी तरह उन्होंने जकड़ के रख्या। जदों तुसी 7-8 सीनियर डीजी रैंक दे एडीजीपी रैंक दे अफसर नूं बाईपास करके अपनी मर्जी दे बंदे नूं डीजी बनाउणा चाहुंदे हो, बाकी डाउन द लाइन मैसेज की जांदा कि सरकार नाल पंगा ना लगो। इन्हां ने डीजी नहीं बन दिता तो मैनूं SSP कित्थों बन देणगे? सारे SP डरनगे, SSP डरनगे, मैं DIG नहीं बनना, DIG डरनगे मैनूं IG नहीं बनाउणा। इह बड़े तरीके हुंदे आ सरकार कोल। सो इह अपनी ताकत की दुरवरतों जिन्नी कहने ब्रेजनली करते इन्नी शायद पहले लोगों ने नहीं की, कीतियां बहुत उन्होंने भी उस किसी डिफेंड नहीं करते, शायद इन तो ज़्यादा कीतियां होनी, पर इन्हों को आस एक वक्री थी, जनता की सोच इन बारे एक वक्री थी, पर वो पूरी उनकी नज़र नहीं आ रही। हूँ जगराओं वाले केस से कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इस केस को उलझा दिता जाए, इनू गधी गेड़ पाया जाए, भंबल भूसे पाया जाए, तो जितों तो थक हार के वो बुजुर्ग औरत उदी नूं वो वापस कनेडा चले जाण, तो इतने केस सिविल केस कर दिए कोर्ट में, जो उन्होंने अपना हक चाहिए उसका फैसला पता नहीं 20 साल बाद होगा 25 साल बाद होगा, उन्होंने किसी ने आना नहीं, इस करके उस तो डर के वो फैसला कर लो ठीक है जी सानू जो देना दे दो, कोठी तुसी लै लो, साडे कोल सारा कुछ बर्दाश्त नहीं हुंदा, और अल्टीमेटली उ ही होना तुसी देख लेना। ये जो सारा तंत्र मंत्र रचया गया इन्ने दिन उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना। थोड़े दिन MLA साहबा शायद कितने होर चले जाण, पर जदों मैनू लगता जदों तक ये छनिचर ऐतवार तक वो SP साहब कह SSP साहब कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा, उदों तक परिवार जिहड़ा ऑलरेडी धक्के खा रहा 6 तरीक तो वो दुखी हो के चुप कर जाएंगे। लड़ के लैना भी की है उन्होंने, 2000 तो बाद आए नहीं, 4 साल बाद तो आए है, हुण अगे तो नहीं भी आउणगे शायद। हुण अगर उन्होंने ये खबर ना मिलती कि उन्होंने कोठी काबू की जा रही थी शायद हुण भी ना आते, इस करके कोठी काबू की गई थी कि उन्होंने आना ही नहीं। हुण इन्हां गल्लां दा एक पुलिस ने एक नवा तर्क दिता कि जिहड़ी रजिस्ट्री मई के महीने च लुधियाणे माल महकमे च हुई है, जिहदे पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस से इस घर नूं किराए ते देना, इस घर की रजिस्ट्री, वो सारा कुछ जिहड़ी अमरजीत कौर ने किया, कि ये अमरजीत कौर उही आ जिहड़ी कनेडा तो आई है, जां लोपो पिंड की कोई होर अमरजीत कौर है? ये तो आई नहीं, ये कहिंदी मैं तो आई नहीं 2000 तो बाद, 2020 तो बाद, हुण 23 हो गया, तो अगर ये 2020 तो बाद इंडिया आए नहीं, तो मई के महीने जिहड़ी अमरजीत कौर लुधियाने के माल विभाग से रजिस्ट्री कर रही है वो कौन सी? इहदा खुलासा होना बड़ा जरूरी है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है, इहदी FIR होनी चाहिए है। अगर ये अमरजीत कौर NRI जिहड़ी है वो आई हुंदी उसके पासपोर्ट से एंट्री होनी थी, वो पासपोर्ट पिछले चैक कर लिया कोई एंट्री नहीं है, वो तो आई नहीं इतने, तो मई के महीने से रजिस्ट्री हो जाती है घर की, मई के महीने से नवा मालिक बन जाता, मई के महीने से मकान किराए पर दिता जाता, वो किरायानामा भी रजिस्टर करा लिया जाता, ये सारा कुछ इन्नी जल्दी किवें हो गया? सो आने वाले दिन इस केस नूं हुण अगे भखण तो रोकण लई कोशिशां ये जारी ने कि उहनां नूं कहा जावे जिहड़े NRI फैमिली कनेडा दी है कि तुसीं पैसे वैसे लै के थोड़ा कुछ लै के तुसीं चुप करके वापस चले जाओ,
नहीं तो 20 साल तो वो अदालतों के धक्के खाने पैने, उन्हें जी थोड़ी कोठी नहीं, जिन्ना खर्चा थोड़ा कनेडा तो आके जगराऊं की अदालत में तरीका भुगतान से लग जाना, वकीलों के खर्चे, घर तुहानू मिलना नहीं जो तो डिस्प्यूट होना, होटलों के खर्चे, देखो किवें बंदिया एक मक्कड़ जाल च फसाया जाता। मैं फिर भी मैं आशा है कि किते ना किते कानून का कोई चंगा अफसर इस परिवार की मदद करेगा, सच न सच सिद्ध करेगा और ये जो फ्रॉडस्टर ने इन्हों कित ना कि सज़ा जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद आ भरोसा और उम्मीद च बड़ा फर्क होता, उम्मीद हैगी भरोसा महाराज के हाथ। तो दोस्तों आने वाले दिन देखांगे कि छिछर ऐतवार तक ये NRI परिवार अपने घर च जाके सौदा या टिकट कटा के वापस कनेडा चला जाता। तो आने वाले दिन इस किस्म दियाँ पंजाब नाल जुड़िया समस्यावां लैके फिर हाजिर होवांगे। उदों तक तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद।